नमस्कार। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो डोनाल्ड बर्न और रॉबर्ट जेम्स फिशर, जिनको हम बॉय फिशर के नाम से भी पहचानते हैं, उन्होंने एक गेम खेला था 1956 में, जिसको सभी लोग गेम ऑफ द सेंचुरी के नाम से जानते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन गेम हुआ था। तो हम क्विकली गेम की तरफ जाते हैं, विंडो की तरफ, और उसके बाद उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो जो गेम स्टार्ट हुआ वो डी नाइट F3, नाइट टू F6, C4, G6, नाइट C3, बिशप G7, D4, कैसल, बिशप F4, D5। अभी आप अगर देखें तो ये पोजीशन जो है वो ग्रूनफील्ड डिफेंस में आ गई है, और ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है रशियन सिस्टम के नाम से जानते हैं हम इसको, क्वीन B3 के बाद। क्वीन B3 के लिए यहाँ पे व्हाइट ने डी कट C4, क्वीन कट C4, C6। यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस हो सकते थे। व्हाइट ने इधर E4 खेला, विच इज द मेन लाइन। नाइट BD7, नाइट BD7 के अलावा यहाँ पर एक और कंटिन्यूशन हो सकता था, जिसमें कि आप B5 जा सकते हैं, क्वीन B3, क्वीन A5। और अब अगर BD3 खेला इसमें, सो आप बिशप E6 जा सकते हैं, जिसमें क्वीन D1 करके आप C5 एक टेम्पररी पॉन सेक्रीफाइस दे सकते हैं, जो कि ग्रीनफील्ड का एक बहुत पॉपुलर चॉइस है ये, कि आप टेम्पररी पॉन सेक्रीफाइस दे के बाद में आप नाइट FD7 या नाइट BD7 आके C5 को मार सकते हैं। कैसल किया अगर तो B4 आ रहे हैं, और नाइट E2 ये एक सिस्टम हो सकता था एक्चुअली, लेकिन फिशर ने नाइट BD7 खेला, जो कि एक साइड लाइन है। रूक D1 यहाँ पे खेला, नाइट B6, क्वीन C5, बिशप G4। डेफिनेटली कुछ कंडीशंस में ग्रीनफील्ड में वाइट प्लेयर ये अलाउ करता है कि और जी इन टू F3 मारे। सो उस हिसाब से यहाँ पर वाइट ने BG5 खेला। अदरवाइज यहाँ पे जो मेन कंटिन्यूशन होना चाहिए था वो बिशप E2, नाइट FD7, क्वीन A3 में भी, और बिशप इन टू F3 मार के आप E5 दे सकते हैं, जिसमें कि अगर डी का D5 मारा अभी इमिडिएटली आप नाइट इन टू नहीं मार सकते, बिकॉज रुक D1 से प्रॉब्लम है इधर, पर आप क्वीन E8 आ सकते हैं, जिसमें नेक्स्ट मूव आप E5 को मार सकते हैं, और ये शायद मुझे लगता है इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर BG5 खेला, एज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बहुत सारे वेरिएशंस में ग्रैंडफील्ड में व्हाइट एक्चुअली अलाउ करता है, और वो कोशिश करता है कि H4 H5 करके किंग साइड प्रेशर बनाया जाए। सो यहाँ पर नाइट A4 खेला ब्लैक ने, ये एक बहुत अच्छा एक्चुअली जजमेंट था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़े टैक्टिक्स आ रहे हैं, जैसे कि अगर नाइट इंटू A4 आप मारते हो तो नाइट इन टू E4 आ रहा है, क्वीन B4, बिशप इन टू F3, और उसके बाद नाइट G5 पे प्रॉब्लम्स है। अगर आप पहले नाइट G5 मारोगे तो ये कंटिन्यूएशन चल सकता था एक्चुअली, बिशप इन टू F3 के अलावा भी, क्योंकि इसमें नाइट इन टू G5, बिशप इन टू D1, किंग इन टू D1, और B5 आके नाइट C5 एंड देन A5, इसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बिकॉज ठीक है वाइट के पास दो माइनर पीसेस हैं रुक के लिए, लेकिन D4 पे प्रॉब्लम है पहली बात, किंग सेंटर में है। तो इन सब चीज़ों के कारण ये पोजीशन भी एक्चुअली मुझे लगता है ब्लैक को प्लेएबल थी। तो डेफिनेटली नाइट A4 को यहाँ पर वाइट ने उसको मारा नहीं, और क्वीन A3 खेला, जिसमें कि नाइट इंटू C3 आ गया, बी कट C3, और नाइट इंटू E4 मार दिया ब्लैक ने। इसमें आप देख सकते हैं एक्चुअली ठीक है, ब्लैक को नाइट इन टू E4 के बाद एक बात हमेशा सोचनी चाहिए थी कि E7 पे थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन डेफिनेटली फिशर ने देखा होगा कि बिशप इन टू E7 के बाद कुछ कंडीशंस में जब आप रूक E8 खेलोंगे तो इस फाइल में, ई फाइल में किंग अभी तक सेंटर में पड़ा हुआ है। बहुत सारे प्लेयर्स को एक्चुअली ये अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है डेवलप करनी जरूरी है, कि जब आपका किंग सेंटर में है, इनिशियली मैं स्टार्टिंग प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, जो जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको ये अंडरस्टैंडिंग इतना जल्दी नहीं आती है कि जब हमारा किंग सेंटर में होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो रुक E8 इमिडिएटली तो अभी नहीं आ सकता है, बिकॉज D8 पे प्रॉब्लम है। सो क्वीन B6 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, और बिशप C4 आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली अगर आप बिशप इनटू F8 मारते भी हो तो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन बिशप C4 करके कैसल करना बहुत जरूरी था यहाँ पे। सो बिशप C4 खेला यहाँ पे, नाइट इंटू C3। अभी आप देख सकते हैं नाइट इंटू C3 को अगर आप क्वीन इंटू C3 मारोगे, तो जो मैं बोल रहा था कि किंग जब आपका सेंटर में है तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसमें आप रुक F8 भी जा सकते हो, लेकिन सपोज रुक A8 खेला क्वीन E3 में भी,
बिशप इनटू एफ थ्री, जी कट एफ थ्री और बिशप एफ सिक्स के बाद डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन बिशप इनटू एफ एट, किंग इनटू एफ एट और कैसलिंग के बाद शायद रुक इन टू ई थ्री मारना ही पड़ेगा। और इस कंडीशन में अगर आप एफ इन टू ई थ्री मारते हो तो क्वीन बी फोर आके ये पोजिशन डेफिनेटली ब्लैक को फेवर करनी चाहिए। हालांकि वाइट थोड़ा और स्ट्रगल कर सकता है इसमें, लेकिन डेफिनेटली मैं मानूंगा कि ब्लैक इज बेटर। तो यहाँ पर आफ्टर नाइट इन टू सी थ्री क्वीन सी थ्री नहीं मारा, हालांकि मुझे लगता है ये कुछ कंडीशन में क्वीन सी थ्री जाना चाहिए था, भले ही आप पॉन डाउन रहो रुकी एट कैसलिंग के बाद, लेकिन वो पोजीशन फिर भी ठीक थी। लेकिन यहाँ पर बिशप सी फाइव खेला और बिशप सी फाइव आते आते यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले डिसाइड किया था कि ई सेवन को क्यों नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आपका किंग सेंटर में फंस सकता है। तो यहाँ पर रुक एफ एट चेक दिया, किंग एफ वन ओनली मूव, और ये एक सिचुएशन था कि आप देख सकते हैं जब फिशर बहुत यंग था उस वक्त भी जो जो फाइटिंग स्पिरिट था वो बहुत ही काबिले तारीफ था उनका, और डेफिनेटली ये जो गेम था उसके बाद फिशर को बहुत बहुत नाम मिला था कि एक न्यू कम, एक नया बच्चा जो बहुत बहुत ही अच्छा चेस खेलता है उस वक्त। तो यहाँ पर जो मूव खेला ब्लैक ने, बिशप ई सिक्स खेला। अभी आप थोड़ा रुक के, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मूव्स तो आप देखें कि कैसे उसमें जो जो डिटेल्स हैं वो हम देख सकते हैं और उसमें क्या एक्चुअली हो रहा है, क्यों ब्लैक इस वक्त, मैंने बहुत सारे कलर्स से कुछ समझाने की कोशिश की है कि क्वीन मर रहा है इधर पर, आपके पास बिशप इन टू सी फोर है जिसमें किंग को प्रॉब्लम है और किंग को एक ही जगह है किंग जी वन जिसमें एनी टू चेक आ सकता है। सो ये एक बहुत ही अच्छा पोजिशन था एनालिसिस करने के लिए। तो बिशप ई सिक्स के बाद आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि बिशप इनटू बी सिक्स एक आ रहा है। यहाँ पर एक्चुअली एक और ऑप्शन हो सकता था कि अगर आप क्वीन इनटू सी थ्री मारते हो तो क्वीन कट सी फाइव जा सकते हैं, जिसमें डी कट सी फाइव, बिशप इनटू सी थ्री, बिशप ई सिक्स, रुक इनटू ई सिक्स, जी थ्री, और एक्चुअली इसमें देखा जाए तो ब्लैक एक पॉन अप है, लेकिन जो गेम में हुआ था उससे मुझे लगता है ये पोजीशन फिर भी ठीक थी, जिसमें कि आप आराम से मतलब खेल सकते हैं एटलीस्ट ये पोजीशन। जो पोजीशन बोर्ड पे आई थी आफ्टर स्पेशली बिशप ई सिक्स, वो पोजीशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, पर 18th मूव पे वाइट ने बिशप इनटू बी सिक्स मारा। अभी आप ए कट बी सिक्स इमिडिएटली नहीं मार सकते हो बिकॉज सी थ्री मर रहा है। सो यहाँ पर बिशप इनटू बी सिक्स के बाद बिशप कट सी फोर मारा, किंग जी वन ओनली मूव, एनी टू चेक। एनी टू चेक के बाद जो प्रॉब्लम थे वो ये थे कि किंग एफ वन आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि परपेचुअल तो हमेशा ब्लैक के पास है, क्योंकि नाइट जी थ्री, किंग जी वन, नाइट ई टू हमेशा आपके पास ड्रॉ है। लेकिन यहाँ पर नाइट इन टू डी फोर मारा, किंग जी वन, एनी टू, और आफ्टर किंग एफ वन फिर से नाइट सी थ्री आ गए। अब इस पूरे सीक्वेंस में ये हुआ कि ब्लैक ने नाइट ई टू चेक दे के नाइट डी फोर मारा और फिर से एनी टू चेक दे के एन सी थ्री आ गया, जिससे इसका अभी सपोर्ट आ गया है, बिशप का सपोर्ट सी थ्री पे। और अभी आप ए इंटू सी थ्री, ए इंटू बी सिक्स मार सकते हैं बिकॉज क्वीन इंटू सी थ्री नहीं है अभी अवेलेबल। तो किंग जी वन खेला, फोर्स्ड ओनली मूव था वहां पे, ए कट बी सिक्स, क्वीन बी फोर, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अभी अगर आप मटेरियल की भी बात करें तो आपके पास क्वीन के बदले एक्चुअली इस कंडीशन में तो दो माइनर पीस हैं, लेकिन डेफिनेटली नाइट इन टू डी वन है तो आपके पास अच्छा खासा मटेरियल रहेगा इसमें। रूक ए फोर खेला पहले बिकॉज नाइट इन टू डी वन को क्वीन इन टू सी फोर मार रहा था, क्वीन बी सिक्स, नाइट डी वन। अभी मुझे लगता है ब्लैक के पास बहुत हेल्दी मटेरियल है बिकॉज अगर आप देखें तो रूक और दो बिशप है और एक एक्स्ट्रा पॉन भी है ब्लैक के पास, वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा पोजिशन है अगर हम क्वीन के बदले देखें मटेरियल। तो एच थ्री खेला, किंग एच टू डेफिनेटली आइडिया था, रुक इन टू ए टू, किंग एच टू, नाइट इन टू एफ टू। अभी अभी आप देख सकते हैं कि तीन एक्स्ट्रा पॉन है और दो माइनर पीस और एक रुक भी है क्वीन के बदले, ये बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल है नॉर्मल कंडीशन में भी। रुक ई वन, रुक इन टू ई वन, क्वीन डी एट चेक, बिशप एफ वन, बिशप एफ एट, सॉरी, नाइट इन टू ई वन। अभी आप देखिए अगर इस कंडीशन में तो नॉर्मली जब आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप क्वीन के अगेंस्ट खेलते हैं तो सिर्फ आपका किंग थोड़ा सेफ रहना चाहिए,
तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल है तो डेफिनेटली आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल भी है लेकिन अगर आपका किंग एक्सपोज है थोड़ा, तो डेफिनेटली क्वीन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है उस कंडीशन में। तो ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था वाइट के पास। और डेफिनेटली अगर हम बात करें इस गेम की, तो जिस हिसाब से गेम में क्वीन सेक्रीफाइस आया और फिशर तो बहुत ही यंग था, और उसके अलावा जो बाकी अपकमिंग प्लेयर्स थे उनमें वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनता गया धीरे धीरे। तो फिशर के मुझे लगता है लाइफ का एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव था, इम्पोर्टेंट गेम था, और डेफिनेटली हमको ऐसे गेम्स ध्यान रखना चाहिए। और सभी लोग जब भी बात करते हैं गेम ऑफ द सेंचुरी की, तो डेफिनेटली इसी गेम की बात हो रही होती है। और इसमें जो बिशप e6 मूव आया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पे आया था, और क्वीन सेक्रीफाइस देने के बाद भी फिशर ने बहुत ही अच्छे से पोजीशन कन्वर्ट कर लिया था। हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं और कोशिश करते हैं उसको फिनिश करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअली 19-E1 के बाद बिशप d5 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, और Nf3 के बाद Ne4 खेला। अभी Ne4 क्वीन b8 b7 पे अटैक है, b5 h4 h5 डेफिनेटली जैसे मैंने बोला आपको कि किसी भी हिसाब से कुछ चांसेस क्रिएट नहीं करने देना चाहिए अभी वाइट को। तो h5 h6 या h5 hg एक ऑप्शन हो सकता था वाइट के लिए, लेकिन वो भी रोक दिया ब्लैक ने h5। और आपको हमेशा एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप विनिंग सिचुएशन में होते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपोनेंट का लास्ट रिसोर्स क्या है। तो अगर आप वो भी फिनिश करते आएंगे तो डेफिनेटली उसकी जो लास्ट होप होंगी वो भी नहीं रहेंगी और आप आराम से जीत सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपोनेंट को जो भी हाफ चांसेस है वो नहीं दें। तो Ne5 खेला यहाँ पे, किंग g7, बिशप को रिमूव करना बहुत जरूरी था क्योंकि कुछ कंडीशंस में जब बिशप d6 का हम सोच रहे हैं तो वो पहले पिन था, अभी वो पॉसिबल है। सो किंग g1 खेला यहाँ पे, बिशप c5 चेक। डेफिनेटली आप किंग h2 नहीं जा सकते हो क्योंकि इसमें मुझे लगता है नाइट d2 एक सिंपल विनिंग होना चाहिए, नाइट d2। लेकिन किंग f1 खेला यहाँ पे, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मुझे लगता है यहाँ से फोर्स मेट ही हो रहा है। आप पॉज करके भी देख सकते हैं कि कोई मेटिंग कंटिन्यूएशन है क्या यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे नाइट g3, किंग e1, बिशप टू b4 चेक, किंग d1, बिशप b3, और आफ्टर किंग c1 Ne2 खेला ब्लैक ने, जिसमें आप देख सकते हैं कि किंग b1 के बाद नाइट c3 चेक और रुक c2, और यहाँ पर 41st मूव पे फिशर ने मेट कर दिया डोनाल्ड बर्न को। तो इस गेम को बहुत ज़्यादा लोगों ने उस टाइम अप्रिशिएट किया था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसको इसके कारण मुझे लगता है चेस वर्ल्ड का भी बहुत फायदा हुआ क्योंकि चेस के बारे में लोग ज़्यादा बात करने लगे, और गेम ऑफ द सेंचुरी के नाम से ये बहुत पॉपुलर है। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि और गेम्स देखें फिशर के और उस एरा के। सो मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।